हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे एसटी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जय दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम आपके लिए पल पल की खबर लेकर आते हैं। तो दोस्तों, ऐसी एक फिर अति आवश्यक सूचना आपके लिए लेकर आए हैं। आपसे अनुरोध है कि चैनल पर बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि पूरी खबर क्या है। अति आवश्यक सूचना, आदर्श सहित कई कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक आज अपने जमा धन को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आदर्श के एडवाइज़र से मिलकर एक ट्रस्ट आदर्श एडवाइज़र वेलफेयर ट्रस्ट आवत का गठन किया और 5 महीने तक पीआईएल लगाने की बात की। और अब तक कोई आईपीएल लगी है या नहीं, और लगी है तो हाई कोर्ट में स्वीकार की गई है या नहीं, पूरी जानकारी किसी के पास नहीं है। आदर्श के कुछ लोग और लीडर जिनका आदर्श के घोटाले में सीधा संबंध है, वो निवेशकों को पिछले 1.5 वर्ष से गुमराह कर रहे हैं कि मुकेश मोदी बाहर आएंगे, उनकी जमानत होगी और जमाकर्ताओं का भुगतान सिर्फ आदर्श ही करेगी। आवत द्वारा आईपीएल लगाने में देसी और बड़े लीडरों की आक्रमणता के कारण आदर्श लिक्विडेशन के आदेश फिर से सेंट्रल रजिस्ट्रार द्वारा जारी कर दिए गए हैं। और फिर एक साल बाद 29 नवंबर 2020 से लिक्विडेशन प्रक्रिया प्रारंभ होगी। आदर्श के कुछ गैर जिम्मेदार लीडर फिर से गुमराह कर रहे हैं कि हम लिक्विडेशन को कोर्ट में चैलेंज करेंगे, पर कौन करेगा, किस हैसियत से करेंगे, कब करेंगे, किस कोर्ट में करेंगे और क्या कानून लिक्विडेशन को निरस्त करने का अधिकार संविधान में है, जानकारी किसी को नहीं है। बस लफाजी करते हैं और बिना सर पैर की बातें वायरल करते हैं। अब क्या करने की आवश्यकता है? बड़े वकीलों की राय में अब निवेशकों का एक मजबूत गठन बनाने का निशात आवश्यकता है। संगठन के माध्यम से तुरंत ही सीधे सुप्रीम कोर्ट को एक मजबूत और प्रशंत जनहित याचिका प्रस्तुत करें। सिर्फ निवेशकों के पैसे को लौटाने की बात हो न कि आदर्श को पुनः चालू करने और एजेंटों के भविष्य की बात करके कोर्ट में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न करें। निवेशकों की तरफ से उनके निवेश की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी जाए और परिपक्वता की राशि और उनकी तिथि प्रदान की जाए। आदर्श द्वारा बैंकों में जमा धन सोना इत्यादि जो कि SFIO और ED द्वारा अटैच किए गए हैं की जानकारी ली जाए। आदर्श की सेल कंपनियों को दिए लोन और उनकी संपत्ति की जानकारी ली जाए। आदर्श के प्रबंधक द्वारा उनकी बेमानी संपत्ति की जानकारी ली जाए और उनको भी अटैच करने की प्रार्थना की जाए। आदर्श के बड़े लीडरों को पिछले 5 वर्षों से कमीशन की जानकारी ली जाए और उनके अप्रत्याशित कमीशन और वसूली के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जाए। आदर्श के लिक्विडेशन प्रक्रिया में निवेशक को के कुछ प्रतिनिधि शामिल करने की मांग की जाए। आदर्श के मैनेजमेंट द्वारा किए गए घोटाले की जांच प्रक्रिया पर कोई भी संदेश या सवाल न उठाए और न सिर्फ निवेशकों को उनकी जमा पूंजी के में ब्याज वापस किया जाए, उसके लिए याचिका लगाई जाए। आदर्श के प्रबंधकों पर जो आरोप लगे हैं उनके लिए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो चुकी और कानून उनको सजा होना या जमानत होना सरकारी जांच एजेंसी और माननीय कोर्ट का विषय है। इसलिए इनके प्रति सहानुभूति रखकर कोर्ट में विरोध भास की स्थिति पैदा न करते हुए 20 लाख निवेशकों के साथ हुए धोखे और अन्य सरकारी एजेंसियों की जांच प्रणाली और मिलीभगत के कारण हुए नुकसान की पूरी भरपाई के लिए निवेशक संगठन की सुप्रीम कोर्ट में तुरंत प्रभाव से एक जनहित याचिका लगाने की आवश्यकता है। आप सब निवेशकों से निवेदन है कि किसी भी प्रकार के भ्रम अफवाहों पर ध्यान न दें और लीडर कर्मचारियों को इस मुहिम से दूर रखकर सिर्फ अपने निवेश के बारे में सोचें और
यदा संभव तुरंत ही निवेशकों की संस्था का गठन कर इस कार्य को अंजाम दे। ये सभी जानकारियां योग्य और इन मामलों की जानकारी वकीलों से बात और सलाह और मशवरे करने के बाद लिखी गई है। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद। तो दोस्तों ये एक बहुत ज़बरदस्त जानकारी जो हमारे पास आई है वो महेश माहेश्वरी जी की कलम से आई है दोस्तों, और आप से उम्मीद करते हैं कि उनके द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।